हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज था ट्यूसडे का दिन और आज से हस्बैंड और बेटे दोनों का स्कूल ऑफिस ऑन हो गया था। मकर संक्रांति की छुट्टी ख़त्म हो गई थी तो सबको सुबह सुबह भेज के मैं रिलैक्स मूड हो गई थी। तो थोड़ा सा मोबाइल में रील्स देखते देखते टाइम कैसे पास हो गया तो पता नहीं चला। तो आज सारे काम बहुत लेट से हो रहे थे तो जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई, सारे काम ख़त्म किए और आज था मुझे बाहर जाना, थोड़ा काम था मुझे तो सारा काम करने में काफ़ी टाइम लग गया था। लेकिन अब मैं जितना भी हो सका उतना किया। फिर उसके बाद लेट हो रहा था तो मैंने क्या सोचा कि मैं चली ही जाती हूँ, फिर काम ख़त्म करके आके जो भी बचे हुए काम है मैं घर आके वापस से करूँगी। लंच का प्रिपरेशन अभी नहीं हुआ है, लंच का प्रिपरेशन भी मैं आने के बाद करूँगी। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी मेरे ब्लॉग को रेगुलर फॉलो करते हैं, देखना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ एक शेयर का बटन दबाइए। मेरे लिए मोटिवेशन होगा, वो आप शेयर करेंगे तो ही ज़्यादा सर्कुलेट होगा मेरा वीडियो। तो ये आपसे उम्मीद है, मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो ये उम्मीद करती हूँ जो भी मेरे ब्लॉग्स को पसंद करते हैं वो ज़रूर करेंगे। तो आज मुझे बाहर में क्या काम था, मुझे आज टेलर के पास जाना था। हस्बैंड का कुछ पैंट का अल्ट्रेशन था और मेरा भी कुछ अल्ट्रेशन था तो वही करवाना था। तो मैं सोची कि ये भी काम ख़त्म करती हूँ। पता नहीं क्यों जब भी मेरे पास पेंडिंग काम होता है तो मुझे चैन नहीं आता, लगता जल्दी से ख़त्म करके उसको टेंशन फ्री हो जाती हूँ। तो हाफ एन आवर था तो मैं चली गई यहाँ टेलर वाले भैया के पास, लेकिन वहाँ भैया ने करने से डिनाई कर दिया। जैसा मैं करवाने का बोल रही थी तो भैया ने मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा। और सामने मुझे दिखा टी का शॉप तो मुझे याद आया कि मैंने टी तो पिया ही नहीं, तो मैं चली गई अपने फेवरेट टी शॉप पर। मैंने सोचा आज बाहर ही टी पीती हूँ, आराम से बैठ के अपना मी टाइम इन्जॉय करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अकेले अपने साथ टाइम बिताना, बहुत लोग नहीं बिताना चाहते हैं, अकेले अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब कोई अगल बगल मुझे कोई जान नहीं रहा हो, मैं अकेली हूँ और एकदम शांति से एकदम रिलैक्स मूड में बैठ जाऊँ, तो ये मेरा फेवरेट टी शॉप है। अगर मुझे कभी भी बाहर टी पीना होता है तो मैं यहीं पीती हूँ। यहाँ का डोसा और इडली भी मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी चाय आ गई थी, अब मैं बैठ के आराम से बैठ के पीऊँगी। और इस रेस्टोरेंट का नाम है नमस्ते और ये मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। प्रियांश को लाने में अभी 15 मिनट्स का लेट है तो मैं तब तक अपना चाय पी लेती हूँ। और बाल मैंने झाड़े थे हेलमेट की वजह से, पूरा चुड़ैल बन गई हूँ मैं, कोई बात नहीं होता है। तो आराम से बैठ के मैं रोड देखते देखते अकेले में अपना टाइम इन्जॉय कर रही थी। यहाँ कोई मुझे नहीं जान रहा था, अकेले थोड़ा और लगता है कि कहीं कोई नहीं अगल बगल, आओ मैं अकेले चाय बैठ रही थी, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है। कोई मुझे नहीं जान रहा है, कोई मुझे नहीं देख रहा है तो मुझे अच्छा लगता है। मैं अपना सोच सोच के कुछ कुछ अपना टाइम इन्जॉय करती हूँ। और एक साइड में मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि प्रियांश को स्कूल से लाना है, कहीं लेट ना हो जाए। तो जहाँ ये रेस्टोरेंट है वो थोड़ा रश वाला एरिया है तो वहाँ से फिर जाने में भी मुझे टाइम लगेगा, तो हो सकता है ट्रैफिक भी मिले। फिर फाइनली मैं प्रियांश के स्कूल में पहुँच गई थी ऑन द टाइम पे और बसेस बस निकलने ही वाली थी। अभी शायद मैं ही एक पेरेंट्स थी जो सबसे पहले पहुँची थी, अभी कोई पेरेंट्स भी नहीं आए थे और बच्चे इतने धूप में खेल रहे थे। यहाँ बेंगलोर का धूप जब आता है बहुत हार्ड आता है और यहाँ बच्चे धूप में पूरा खेल रहे थे, बास्केटबॉल खेल रहे थे। तो वह मुझे लग रहा था कि कितना, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी धूप में, बच्चों को कितना तकलीफ हो रहा होगा खेलना इसमें धूप में। लेकिन ठीक है, बच्चे इसी से अपने आप को इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करेंगे। और आराम से बैठ के बच्चों को देख रही थी, सोच रही थी। और फिर उसके बाद फिर प्रियांश के स्कूल की बसेस निकलने लगी तो अब इसके बाद पेरेंट्स पिकअप के बच्चे आने वाले थे। अब बैक ऑफ माई माइंड में मेरा चल रहा था कि मुझे घर जाके अभी क्या क्या करना है, क्योंकि प्रियांश आज ब्रेकफास्ट में ले गया था चॉको फिल्स तो उसे प्रॉपर कुछ नाश्ता करवाना है। इतना मैं सोच ही रही थी कि तब तक यहाँ देखा कि पेरेंट्स और सिक्योरिटी गार्ड में झगड़ा हो गया, क्योंकि पेरेंट्स को देना था अपने बच्चे को जाके टिफिन। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे थे कि आप यहाँ रख दीजिए, हम लोग जाके खिला देंगे, लेकिन पेरेंट्स मान नहीं रहे थे और पता नहीं क्या था इशू, तो मैंने इग्नोर किया। बहुत देर चला बहस, तब भी सिक्योरिटी गार्ड ने अलाउ नहीं किया आपको जाके टिफिन देने के लिए। तो पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, उन्हें उनका बस चले तो जाके बच्चे को टिफिन हाथों से खिला के आए, कुछ ऐसे ही होते हैं। फिर मैंने अपने बेटे, बदमाश बेटे को पिक किया घर में जाके बंदरगिरी करने के लिए। और अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग में मेरी हेल्प करता है, तो थोड़े टाइम बाद लगता है कि मैं साइड शूट कर पाऊंगी और मैं एज अ लीड फेस बन के आऊंगी, क्योंकि बहुत सारी जगह पे मैं
फ्रंट में नहीं आ पाती हूँ क्योंकि मुझे कोई शूट करने वाला नहीं रहता है, तो अब मेरा कैमरामैन मुझे मिल गया है। मैं समटाइम्स प्रियांस को कैमरा थमा देती हूँ तो थोड़ा हिलता है, उससे थोड़ा सा उतना हाथ में बच्चे का हाथ है तो थोड़ा सा वो शेक कर देता है हाथों को, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा मेरा बेटा मेरे साथ रहते रहते। फाइनली हम लोग घर आ गए थे और प्रियांस के लिए नाश्ते में मैंने बनाया था यहाँ सेट डोसा, उसके साथ चटनी बनाई थी, प्रियांस का फेवरेट है ये। प्रियांस जैसे उत्तपम भी खाता है ना तो उसे वेजीज नहीं चाहिए होता है, तो ये वाला सेट डोसा उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ नहीं करना होता है, बस बैटर डाल के धीमी आंच पे पकाने से वो प्लफी सॉफ्ट सा सेट डोसा बन जाता है। तो ये हो गया था, इसको मैं प्रियांश को सर्व खिला दूँगी, उसके बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी क्योंकि वो नाश्ता उतना प्रॉपर वे में करता नहीं है, स्कूल ले जाना नहीं चाहता है ज़्यादा कुछ जिसको वो खा, अकेले मैम उसको ज़बरदस्ती खिलाए। तो ये चटनी और सेट डोसा रेडी है, इसको बनाने में मुश्किल से मुझे 5 से 7 मिनट लगते हैं। और जैसे ही मैं गई देखा कि प्रियांश रो रहा है, तो क्यों, उसको रॉकेट बनाना था और रॉकेट बनाया भी था लेकिन वो टूट गया, जिसकी वजह से वो रो रहा था कि हाँ मैंने इतना अच्छा रॉकेट बनाया था वो टूट गया था। तो फिर उसको चुप कर आया और उसके बाद उसको बहलाया फुसलाया, उसके बाद उसको डोसा खिलाया। तो बच्चे के साथ अब मेरा ड्यूटी लग गया है, अब दिन भर इसके साथ रहूँगी, अब इसे खिला के फिर मैं इसे सुला दूँगी, तो उसके बाद फिर उठेगा तो उसके बाद हस्बैंड भी आ जाएंगे। तो ऐसे आफ्टरनून और मॉर्निंग के बीच का मेरा शेड्यूल रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी थोड़ी सी भी तो आप इसे लाइक का एक बटन दबा दीजिए, और अगर कुछ कमेंट भी करना है मेरे वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट मी।